So today we are going to discuss something about happiness. Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Very good. Happy? Yes, sir. All right. So you know that the government launched a program, happiness curriculum. Yes, sir. तो आपको क्या लगता है क्यों इसकी जरूरत पड़ी होगी ये हैप्पीनेस प्रोग्राम की? चलो बताओ जल्दी से। हाँ सर, फुल एंटायर पीरियड में स्कूल के सब बच्चे पढ़ते हैं, तो सब पढ़ते पढ़ते एक बार को टाइम करता है कि हम थोड़ा रिफ्रेश हो, खुश हो। रिफ्रेश होने की बात है तो yes, क्या पहले हम हैप्पी नहीं थे इससे पहले जब करिकुलम आने से पहले? लेकिन हमें अच्छे से इसे अपने काम को सर मैनेज करने का तरीका नहीं था। वेरी गुड। और हैप्पीनेस का जब करिकुलम हमारा शुरू हुआ तो क्या चेंज आया, आपको लगा कुछ चेंज आ रहा है? यस सर। हाँ बताओ। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें माइंडफुलनेस सबसे पहले करना चाहिए, और सर जब हम माइंडफुलनेस करते हैं तो हमें कुछ सोचना चाहिए सिर्फ पढ़ाई के। माइंडफुलनेस फोकस यानी कंसंट्रेशन आपका उस समय। वेरी गुड। आपको क्या लगता है हैप्पीनेस से क्या चेंज आ रहा है, आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है? सर हैप्पीनेस के अलावा हमारे अंदर और भी मॉरल वैल्यूज क्या है, ऑनेस्टी के बारे में। वेरी गुड। सो हैप्पीनेस को हमने कुछ मॉरल वैल्यू से भी जोड़ दिया। यस सर। अच्छा घर में भी कुछ यानी बातें होती हैं हैप्पीनेस की? जैसे जो हम घर में सर यहाँ पे करके जाते हैं, जैसे हमने मेडिटेशन करा तो हम घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करने से पहले वो मेडिटेशन करने के लिए दो मिनट बैठते हैं। मेडिटेशन घर में भी होता है। पेरेंट्स से कभी बात होती हैप्पीनेस की? यस सर, जब हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो फिर वो हमेशा कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस जरूर करनी है, और जब भी पढ़ाई करनी है तो फिर फ्री माइंड नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। वेरी गुड। अच्छा इमरान आप बताओ कि हैप्पीनेस, बैठ जाओ आप लोग, कि हैप्पीनेस से क्या बच्चों के जो ये पढ़ने की या उनकी याद करने की या उनकी डिस्कशन करने की क्षमता बढ़ी है? अच्छा फर्क तो पड़ा है काफी, बच्चा अभी आएगा बड़े आराम से और बड़े खुशी के साथ कंटेंट को शुरू करते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ता है और हर कोई कहता है मैं करूंगा। वेरी गुड। अच्छा आप ये बताओ लड़की कि आपने हैप्पीनेस में कुछ एक्टिविटी की आजकल, जैसे मेले चल रहे हैं, कुछ बनाया आपने? Okay. इससे सब बच्चे देखे और उसे जाने कि हैप्पीनेस क्या होता है। और स्टोरी राइटिंग भी की थी आपने? यस सर। वेरी गुड। क्या क्या लिखा था आपने अपनी स्टोरी में, कोई कहानी बनाई होगी? यस सर। हमने सूरज और हवा के ऊपर लिखा था कि सूरज और हवा के ऊपर बात छिड़ जाती है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है, वो कहता है, वो उसने कोट पहन रखा होता है, टोपी पहन रखी होती है। अच्छा तो, वो वाली कहानी, उसमें जो ताकतवर का है, तो ताकतवर का मतलब ज्यादा ताकत होना है या मतलब दूसरे को हैप्पी करना है? सर बुद्धि से काम है। बुद्धि से काम करना और दूसरे को हैप्पी करना है। वेरी गुड। अच्छा व्हाई हैप्पीनेस नाउ हमारे स्कूल में हैप्पीनेस का, तुम पीछे से बोलोगे। हाँ हमारे स्कूल में हैप्पीनेस की कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है? हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है हैप्पीनेस की, लेकिन माइंडफुलनेस में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा उसमें हुआ, क्योंकि माइंडफुलनेस से पहले हमें बहुत टेंशन होता था। सर अब आपको टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। सर बताते हैं कि मतलब कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, सब करो तो उससे माइंड की एक्सरसाइज एक बताइए, उससे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। वेरी गुड। आपको तो फायदा हुआ है, अब आप ये बताओ कि आपके घर वालों को भी फायदा हुआ है क्या, घर में जो मम्मी पापा हैं? सर हम जब घर जाते हैं सर हम सबको बताते हैं कि हमारे स्कूल में क्या होता है। सर घर में सब सुबह मेडिटेशन सर तो घर वाले भी खुश होते हैं? सर घर वालों को अच्छा लगता है। अच्छा आपने कौन सी कोई एक्टिविटी में भाग लिया हैप्पीनेस वाली में आजकल में, कौन सी एक्टिविटी में लिया? सर स्टोरी राइटिंग में लिया, और सर हमने जो स्कूल क्लास में हमारे जो सर हमें जब खड़ा करते तो सर कुछ मिले। अच्छा ये बताओ कि हमारा जो वातावरण है जो आजकल आप देख रहे हैं, तो इसका भी हैप्पीनेस से कुछ संबंध है क्या? है सर वातावरण, अगर हम हैप्पी रहना चाहते हैं तो हम अपने वातावरण को कैसे रखेंगे, क्या करेंगे? सर उसके लिए हमें प्लास्टिक को हमें हटाना होगा, और सर हैप्पीनेस से हमें ये मॉरल स्टोरीज, और हमें जो गार्बेज है जो प्रदूषण है उसको भी हटाना पड़ेगा। वेरी गुड। एक लड़की और बैठी वहाँ पे। अच्छा आप ये बताओ कि हैप्पीनेस का क्या संदेश देना चाहोगी, फॉर एग्जांपल हम सब लोगों को एक मैसेज आप देना चाहती हो हैप्पीनेस के बारे में, तो क्या क्या बताओगी? हैप्पीनेस में हमें पूरा माइंड हमारा फ्रेश होता है, तो हमें रोज के रोज जो हैप्पीनेस वाले टीचर बताते हैं माइंडफुलनेस हमारा फ्रेश होता है, हम पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान लगाना चाहते हैं, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि रोज हमें माइंडफुलनेस करना चाहिए। अच्छा जो हैप्पीनेस अगर जब हम ऐसे ही करते रहेंगे, लड़ाई झगड़े गुस्सा और ये जो छोटी मोटी बातें होती हैं कम हो जाएंगी इससे? यस सर। हमें आपकी क्लास में बच्चे कभी पहले झगड़ते थे, अब थोड़ा कम हुआ नहीं हुआ? यस सर पहले बहुत झगड़ते थे सर, अब झगड़ते ही नहीं है। अब झगड़ते ही नहीं है, झगड़ा ही बंद हो गया। अच्छा तुम बताओगी क्या है आपकी क्लास में क्या चेंज आया हैप्पीनेस से, कुछ आया बताओ? पहले कई बच्चे हैप्पीनेस नहीं थी सर, तो फिर कई बच्चे
बच्चों को कुछ याद नहीं हो पाता या माइंड फोकस नहीं हो पाता। अरे वेरी गुड, तो हैप्पीनेस की क्लास के बाद यानी अब उनकी जो वह है रिटेंशन पावर बढ़ चुकी है, यानी वो याद करने लग गए, उनको याद रह रहा है। वेरी गुड। अच्छा आपका नाम क्या है? नुपुर। नुपुर, तुम तो वैसे ही हैप्पी दिखती हो काफी, और अब ज्यादा ही हैप्पी हो गई, तो क्या लग रहा है आपको कि हैप्पीनेस का कार्यक्रम आगे चलना चाहिए? अभी तो 31 तक हमारा उत्सव है, इसके आगे भी बढ़ाते हैं इसको। वेरी गुड। अच्छा हम लोगों ने कुछ यूएन के गोल से हम जुड़े हैं, एसडीजी से जुड़े हैं, यूनाइटेड नेशंस के 2030 के गोल से जुड़े हैं, तो आप किस गोल में काम कर रहे हो? आप किसी गोल में काम कर रहे हो? हाँ सर, नो हंगर। नो हंगर पे, जीरो हंगर पे काम कर रहे हो? यस सर। तो अगर हम हंगर हटाएंगे तो हैप्पीनेस भी बढ़ेगी? यस सर। वेरी गुड। आप किस पे काम कर रहे हो? सर इको फ्रेंडली क्लाइमेट। इको फ्रेंडली क्लाइमेट, तो यानी अगर क्लाइमेट अच्छी होगी। अच्छा एक रिसर्च में मैंने पढ़ा, अगर क्लाइमेट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होती है, प्रदूषण रहता है, तो इससे भी झगड़े उगड़े बढ़ते हैं, क्या ऐसा है? अब तो रिसर्च भी इस बात को बोल रहा है सर, क्योंकि सर जो पॉल्यूशन है सर वो हमारे माइंड को माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, फिर स्ट्रेस फील होने लगता है, उससे हम एक दूसरे से झगड़े करने लगते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम आप हैप्पीनेस की जो क्लास लेती हो उसमें बच्चों को लग रहा है कि हैप्पीनेस बच्चे यानी अब उनको मजा आ रहा है इसमें? छोटी क्लास में मेरे पास तो बहुत मजा आ रहा है बच्चों को। अच्छा छोटी, जितनी छोटी क्लास है उतना मजा ज्यादा मजा आता है सर, छोटी क्लास में ज्यादा करते हैं बच्चे, छोटी क्लास में ज्यादा मजा आता है। अच्छा स्टोरी वगैरह जो है वो बच्चों की? हाँ जी, अपनी भी स्टोरी बना लेते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। रवि आपने किया कभी कोई हैप्पीनेस क्लास? यस सर, मैं अपने ही क्लास में जो मेरा मैथ का क्लास है उसमें मैं बच्चों को खुश करते हुए उनको मैथ सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिसके वजह से हमारे बच्चों ने मैथ के अच्छे ऐसे ऐसे मॉडल बना के लाए हैं। तो मैथ की क्लास में अगर बच्चा हैप्पी हो रहा तो इससे बड़ी बात क्या है? मैथ में तो हैप्पीनेस बहुत जबरदस्त है। यस सर। ओके अच्छा, और तुम बताओ मुझे कि अब आगे हम क्या और एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, मतलब हैप्पी रहने के लिए हम क्या क्या हमारे पास और चीजें? जैसे हमारा भी हैप्पी ना उत्सव चल रहा है, जैसे ड्राइंग मिला, कभी स्टोरी राइटिंग चल रही है, तो एज एक से रोल होना चाहिए 20 मिनट का, सर एक मिनट रोज हैप्पीनेस के लिए एक एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा रोज एक एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। तो ऐसे तो देखो हमारे स्कूल में आप जानते होंगे कि प्रेयर जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है ना। वी हैव हैप्पीनेस एवरी डे इन द स्कूल। ओके, लेकिन इनका कहना है कि कोई हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिसको हम और इंजॉय करें। ओके अब एक एक करके मैं यानी आपसे एक एक सेंटेंस यानी स्टेटमेंट आपको लूंगा हैप्पीनेस के बारे में बोलना है, हैप्पीनेस के बारे में, ठीक है? एक स्टेटमेंट बोलना है। हाँ ओके कम, केवल हैप्पीनेस के बारे में बोलना है, जैसे हैप्पीनेस इज लाइफ, कोई बोलेगा हैप्पीनेस इज लाइफ। ओके मैंने एग्जांपल आपको दिए, तो आपको एक एक स्टेटमेंट देना है और जिसका बेस्ट स्टेटमेंट होगा वो हम स्कूल में लगाएंगे, ठीक है? जो हैप्पीनेस का बेस्ट स्टेटमेंट देगा यानी एक्सप्लेन करेगा हैप्पीनेस। ऑलराइट, तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। सर जो हमारे अंदर एक पावर होती है जो हमें खुश रखती है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल भी है। एक स्टेटमेंट दो आप, वो तो ठीक है, स्टेटमेंट दो हैप्पीनेस के बारे में। सर हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें वो रोज करनी भी चाहिए। जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, यस यस सर। एंजॉय हैप्पीनेस, एंजॉय लाइफ, एंजॉय हैप्पीनेस, एंजॉय लाइफ, यस सर। हैप्पीनेस हमारे सर अंदर भी है। हैप्पीनेस इज इनसाइड अस, यस अंदर है। ओके यस, हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू प्रेजेंट इनसाइड, वी जस्ट हैव टू फाइंड। हैप्पीनेस इज ग्रेटेस्ट वर्च्यू प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर बॉडी। ओके यस, हैप्पीनेस इज अ स्टेट व्हेन वी आर हैप्पी। हैप्पीनेस इज अ स्टेट व्हेन वी आर हैप्पी, हैप्पी यस सर। हैप्पीनेस हमारे, जोर से बोलो थोड़ा, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हमारे अंदर भी होती है, बाहर भी होती है, बाहर भी होती है और अंदर भी होती है। यस यस, वी शुड बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, वी शुड बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, यस। हैप्पीनेस इज माय लाइफ, हैप्पीनेस इज योर लाइफ, यस जोर से बोलना। Happiness never decreases if we want to increase it. Okay, yes. Happiness is our independence. Happiness is our independence. Independence. Oh my God, yes. Sir, happiness अपने में ढूंढनी चाहिए। Happiness अपने में ढूंढनी चाहिए, दूसरे में नहीं है। Very good, yes. अच्छा काम है happiness. अच्छा काम happiness है। जिस काम को करने में मतलब अच्छा लग रहा है वो happiness की बात होगी। यानी every work is a happy work. Yes. वेरी गुड, एंड यूर्स? कंसेंट्रेट करना चाहिए, यस यस। हाँ तुम बताओ जल्दी। हाँ सफलता की सफलता की कुंजी है, की टू सक्सेस, यस। हमें अपने
हैप्पीनेस के लिए सर हमें खुश रहना चाहिए, हर काम खुशी करना, दूसरों को खुश करना चाहिए। वेरी गुड ब्रिजेश जी, आपने हैप्पीनेस की क्लास ली है, बताओ क्या मजा आ रहा है आपको? हैप्पीनेस इज द लाइफ, एंटायर लाइफ, एंटायर लाइफ है, चेंज हो गई है लाइफ, आपकी भी चेंज हुई है? Yes, sir. आप भी पहले थोड़ा थोड़ा दुखी रहते थे, आप तो ज्यादा ही हंसते हो आप, nowadays यू आर एंजॉइंग, वेरी गुड। और यहाँ से निशी मैडम है, निशी मैडम आपको क्या लग रहा है, आप भी हैप्पी हो? मेरे लिए तो हैप्पीनेस हुआ है कि जो भी करो, जो भी काम मिले उसे बस हैप्पीली करो और एक चैलेंज के रूप में लो, वही हैप्पीनेस। चैलेंज भी है और हैप्पीनेस भी है, ओके। और एक पूनम है हमारे यहाँ टीचर और वो हैप्पी ही रहती है हमेशा। पूनम बताओ क्या है, तुम तो बहुत एक्टिविटी कराती हो बच्चों को, बच्चे पहले भी हैप्पी रहते थे, अब क्या है इसमें, अब क्या चेंज आ रहा है? सर नाउ द पार्टिसिपेंट्स आर इंक्रीज, पहले कुछ बच्चे होते थे, अभी पूरी क्लास पार्टिसिपेट, पूरी क्लास अब हैप्पी है हो रही है, पार्टिसिपेंट बन रही है, और एक्टिविटीज में आपके पास आते हैं बच्चे? बिल्कुल सर, मेरे पास आते हैं, मैं अब इंग्लिश में भी हैप्पीनेस करा रही हूँ, हिंदी में भी हैप्पीनेस करा रही हूँ, साइंस में भी हैप्पीनेस करा रही हूँ। वेरी गुड। सोशल साइंस की क्लास में पूनम को स्पेशली इन्वाइट किया था मैंने, उसमें भी हैप्पीनेस भी हुआ और हाइजीन के ऊपर भी क्लास हुई। वेरी गुड। तो बच्चों हम सभी हैप्पी रहना चाहते हैं ना? यस सर। आपके पेरेंट्स हैप्पी रहना चाहते हैं? यस सर। देश हैप्पी रहना चाहता है? यस सर। विश्व हैप्पी रहना चाहता है? यस सर। और यूनिवर्स हैप्पी रहना चाहता है? यस सर। तो लेट अस ऑल स्टे हैप्पी, एंजॉय हैप्पीनेस, एंड देन द लाइफ विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। ओके, थैंक यू।